हाय गाइस, दिस इज जियार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक होने वाला है संपूर्ण जानकारी के साथ, अब तक की हम लोगों के पास कौन सी जॉब रनिंग में है, कौन सी चल रही है, कौन सी फील्ड हो गई है जिससे आपका टाइम बच सके। हम लोगों का 15 दिन या 10 दिन में एक वीडियो ऐसा आता है जो संपूर्ण जानकारी के साथ रहता है। ये वीडियो देने का एक ही मकसद रहता है कि आप जब कॉल करते हैं ना तो पूछते हैं कि सर आज कौन सी जॉब चल रही है, अभी ये जॉब खाली है या नहीं है, ये वैकेंसी चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो वही सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है, प्लस आपका टाइमिंग सेव हो जाता है। आपके साथ में हम लोगों का भी कुछ टाइम सेव हो जाता है। उससे क्या रहता है कि हम लोग वो टाइम उन कैंडिडेट्स को देते हैं, उन लड़के लोगों को देते हैं जो अभी आ रहे हैं या फिर अभी आने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें। वीडियो में कमेंट्स करना कभी ना भूले और शेयर और लाइक करना कभी ना भूले। तो गाइस, शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग में हम लोगों को हेल्पर लोगों से लिए। तो हेल्पर लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में अभी मैं कल या परसों जो है आउट ऑफ बेंगलोर का एक वीडियो दूंगा आपको, जो रेफ्रिजरेटर बनाती है, फ्रिज वगैरह बनाती है, वो जो है आज जॉब्स आने वाली है। रिसेंटली कल या परसों ही समझ लीजिए वो जॉब्स आपके लिए आने वाली है। वहां पे सिर्फ हेल्पर रिक्वायरमेंट रहेगा, हेल्पर में 12th पास मिनिमम होना चाहिए या फिर ITI क्या होना चाहिए, ITI नहीं तो 12th पास मिनिमम होना चाहिए। अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी उसमें और अच्छा खासा रूम और फूड फैसिलिटीज रहेगा। लोकेशन सिर्फ आउट ऑफ स्टेशन बेंगलोर का रहेगा। बहुत ही जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है आप लोगों के लिए, लैंग्वेज कौन सी भी रहेगी उसमें। अब आती है हेल्पर में दूसरा जो केरला वाले कपड़े की फैक्ट्री में अभी रिसेंटली जो है जॉब नहीं है, काम नहीं है वहां पे, नहीं है हम लोगों के पास, दूसरा है। तो केरला के लिए आप फोन नहीं करें कि सर केरला में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए फोन नहीं करें, वो अभी पूरा फुल है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिला कि केरला वाला फैक्ट्री में जहां उन लोगों को, हम लोगों का टारगेट जो है 700-800 कैंडिडेट्स का था, 700-800 जो है कैंडिडेट्स भेजने का हम लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसको हम लोग लमसम 650-700 जो है कैंडिडेट्स वहां पे भेजे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों का सपोर्ट प्यार इतना मिला कि आप लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, किए हैं। तो वो अभी खाली नहीं है, वो अभी फुल है। वहां पे जरूरत सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की है। अगर आपको कपड़े के लाइन में, टेलर के लाइन में एक्सपीरियंस है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें खाना और रहना धोना फ्री है। या फिर आप चाहते कि नहीं सर मुझे टेलर का एक्सपीरियंस है, मैं केरला नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बेंगलोर आना चाहता हूँ, तो मोस्ट वेलकम, आपको बेंगलोर में भी सेम फैसिलिटी वाली जो है जॉब्स मिल जाएगी टेलर की। या फिर आपको अगर आयरन में एक्सपीरियंस है, या फिर आपको कटिंग में, या फिर आप मास्टर हैं, तो वो जॉब भी आपको मिलेगी और अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी उसमें। इसके अलावा गाइस, सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव की, तो फ्रेंड्स सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब जो है हम लोगों के पास आपको एवरी टाइम रेडी मिलती है। आप जब फोन करेंगे कि सर मुझे आज कल से सेल्समैन के लिए जो अप्लाई करना है, तो मोस्ट मोस्ट वेलकम, आज आप अपना रिज्यूम भेजिए, ट्रेनिंग इंटरव्यू के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब हम लोगों के पास एनी टाइम रेडी रहती है। वो फील्ड एक ऐसा है जहाँ पे आपको कभी भी कॉल करेंगे तो आपको वैकेंसी मिलेगी उसमें, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा फील्ड रहता है और हर किसी कंपनी में सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा सिक्योरिटीज गार्ड की आप कभी भी कॉल कीजिए, आप चाहे मंथ के एंड में करें या 1 तारीख को करें या 10 तारीख को करें, आपको जॉब सिक्योरिटी लाइन में 100% मिलती है और हर समय मिलती है। उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोगों के पास जो सारी कंपनियां जो है क्रिटेरिया था उसको छोड़ के उससे अलग हम लोगों को कुछ सिक्योरिटी गार्ड का नियम और शर्तें रहती है।
अब वो ऐसे कि जहां दूसरी कंपनी वाले सिक्योरिटीज वाले आपसे जो है ज्वाइनिंग फीस या ज्वाइनिंग चार्ज लेते हैं वहां पर हम लोगों का नहीं रहता है। सेकंड बात है कि जहां पे आप लोगों को दूसरी कंपनी वाले हेल्थ और हाइट पूछते हैं वहां पे हम लोगों की हेल्थ और हाइट जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तीसरी बात है कि जहां आप जाते हैं सिक्योरिटीज कंपनी वहां पे आपको ड्रेस का और यूनिफॉर्म का शू वगैरह का जो है पैसा पहले देना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए ज्वाइन कीजिए जॉब कीजिए महीना तक जो है आपका डिडक्शन करती है कंपनी। चौथी बात इसमें कि दूसरी कंपनी में आप जाएंगे तो एज लिमिट आपकी जो है वहां पे निकाल दिया जाता है कि आपकी जो है 40 इयर्स हो गए हैं, आपकी जो है 45 इयर्स है, आपको काम पे नहीं रखा जाएगा, आपकी एज ज्यादा हो गई है। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है ओवरऑल ये की है कि सिक्योरिटीज में आपको कभी भी आइए, जॉब मिलेगी अच्छी फैसिलिटी के साथ मिलेगी, प्लस ज्यादा उम्र वाले को भी मिलेगी, प्लस अनपढ़ वाले को भी मिलेगी, तो सिक्योरिटी की जॉब भी चल रही है। इसके अलावा फील्ड ऑफिसर की भी जॉब चल रही है। एक्चुअल वो फील्ड ऑफिसर का मैंने वीडियो नहीं डाला था बना के, रीजन ये था कि हम लोग बहुत बिजी हो गए, क्योंकि नवंबर दिसंबर का मंथ है तो काफी कंपनियों का जो हम लोगों का सेल्स टारगेट देना रहता है, ईयर एंडिंग का जो टारगेट रहता है ना वो एक टारगेट देना रहता है मंथ एंड में, कि जो है मंथ एंड में जो किस कंपनी ने कितना सेल किया, तो वो सेल्स कर हम लोगों का चलता है, तो वहां पर कुछ उन लोगों का एक लमसम टारगेट रहता है, तो उसमें हम लोग थोड़े बिजी हो गए थे। तो मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि फील्ड ऑफिसर की हम लोगों के पास अभी वैकेंसी है। अगर आपको सिक्योरिटीज लाइन में फील्ड ऑफिसर की एक्सपीरियंस है या फिर आपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी कर रखा है तो आपको फील्ड ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी। सैलरी 22,000 रुपया आपकी, उसमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, लड़के लोगों से अच्छी तालमेल होना चाहिए, और इसके अलावा सिक्योरिटी का कुछ नॉलेज होना चाहिए, फील्ड वर्क का कुछ हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। अभी देखने को लिए कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी रहेगी, अच्छी सैलरी रहेगी, प्लस पेट्रोल कन्वेंस रहेगा, प्लस ESIPF रहेगा। इसके अलावा हम लोगों के पास बिजनेस डेवलपर की जॉब आपके पास लिए रेडी है। अगर आपको मार्केटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपने सेल्स में या फिर कहीं पर भी आपने जो है काम किया है, तो आपको बिजनेस डेवलपर और मार्केटिंग की जॉब मिल जाएगी। ये जॉब हम लोगों के पास एनी टाइम रेडी रहती है, जिसमें सैलरी आपको 30,000 से शुरू मिलती है देखने को, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, इवन तक 50,000 तक इसमें सैलरी देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मांगती है। अगर आपको फील्ड में या फिर आपको सेल्स में 4 साल, 5 साल, 10 साल तक का भी एक्सपीरियंस है, आप खाली बैठे हैं या फिर आपको किसी कंपनी में निकाल दिया है, तो आप इस जॉब के लिए हम लोगों के पास रिज्यूम भेज के अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन का सिर्फ इंटरव्यू रहता है और नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग हो जाती है। अच्छा खासा बेनिफिट्स रहता है इस जॉब में, पेट्रोल कन्वेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है, दिन में चाय पानी का पैसा कंपनी के द्वारा दिया जाता है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी फैसिलिटी और बहुत ही अच्छी सैलरी देखने को मिलती है इस जॉब में। फिर है आपका प्रमोशन और प्रमोटर का काम। प्रमोशन और प्रमोटर का काम अभी हम लोगों के पास हाल फिलहाल वेकेंट नहीं है, खाली नहीं है। आपको अगर आप बेंगलोर में हैं या फिर आप बेंगलोर में रह रहे हैं तो आपके लिए प्रमोशन प्रमोटर का काम हम लोगों के पास मिल जाएगा, लेकिन आप आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं उस काम के लिए, तो उस काम के लिए हम लोगों के पास वैकेंसी नहीं रहती है, क्योंकि आप लोगों को रूम की फैसिलिटी करवा के देनी पड़ती है, तो वो कंपनी क्या रहती है कि रूम की फैसिलिटी करके नहीं देती है। तो प्रमोशन प्रमोटर का काम भी आपको जब फोन करे तब मिल जाएगा। अब मैं एक लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि कुल मिला के इन सारी जॉब्स में से एक ही बात निकल के आती है कि हेल्पर लोगों के लिए अभी प्रेजेंट टाइम मेरे हिसाब से नवंबर एंड रहेगा या फिर एक दिसंबर भी मान के चलो, तो नवंबर तक थोड़ा सा टाइट रहेगा, उन लोगों के लिए कुछ हम लोगों के पास जॉब्स नहीं रहेगी, क्योंकि
जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स जा चुके हैं, जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, वो अभी सफिशियंट है हम लोगों के पास। मैं आपको एक 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि हम लोगों के पास प्रेजेंट टाइम 700 to 800 कैंडिडेट्स वर्किंग में है। जी हाँ, 700 से 800 कैंडिडेट्स वर्किंग में है ऑलरेडी। तो हम लोग वहीं से थोड़ा इधर से उधर कर लेते हैं और लोकल से भी हम लोगों को कुछ सपोर्ट मिल जाता है। तो हेल्पर लोगों के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी वैकेंसी नहीं है, आने वाली है 1 या 2 दिन में। वो है आईटीआई वालों के लिए और 12th पास वालों के लिए, जो बेंगलोर लोकेशन नहीं हो के आपकी गुजरात लोकेशन में होगी। इसके अलावा फील्ड का हुआ, सेल्स का हुआ, मार्केटिंग का हुआ, प्रमोशन का हुआ, वो सारी जॉब्स मैंने आज अभी जो अपडेट दी थी वो सारी आपको देखने को मिलेगी। उसमें रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन उसमें आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर आपको सेल्स का नॉलेज है, अगर आपको मार्केटिंग का नॉलेज है, तो वो बंदा आउट ऑफ स्टेशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। नहीं सर, मैं जो है ये जॉब करना चाहता हूँ, मैं पीजी की व्यवस्था कर लूँगा, या फिर मैं रूम ले लूँगा, या फिर मैं अपने जो है दोस्त के यहाँ रूम में रह सकता हूँ, और मैं ये जॉब करना चाहता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है इस जॉब के लिए, तो गाइस वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो मैंने कल ही वीडियो बना के डाला था, वो वैकेंसी भी चल रही है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 3 से 4 बंदे आज आने वाले हैं, बाकी रहे 5 से 10 कैंडिडेट्स। तो वो हम लोगों को 1-2 दिन के अंदर जो है कॉल्स आ रहे हैं, देखते हैं कितने बंदे ज्वाइन होते हैं, कितने आते हैं। तो उसका अपडेट चाहिए तो मैं 1-2 दिन के बाद और चाहिए था आपको एक नेक्स्ट वीक तक एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि रिसेंटली जो पर्सन कौन सी वैकेंसी खाली है, तो उसकी जो जॉब की अपडेट आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ी हाइट है, पढ़े लिखे हैं, तो आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, कहने का मतलब है कि सेल्समैन, सेल्स सेक्रेटरी, सेल्स मार्केटिंग, वो सारी की सारी वैकेंसी आपको एनी टाइम देखने को मिलेगी, जिसमें रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं रहेगी। और हेल्पर के लिए प्रेजेंट टाइम आने वाली जॉब से अभी प्रेजेंट टाइम हेल्पर की जॉब हम लोगों के पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपसे जो है बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो कंपनी हम लोगों ने बीच में जो एक चार्ज करके बोला था कि 1500 रुपीज हम लोग जो चार्ज लेंगे, उसका एक बहुत ही अच्छा निचोड़ कंपनी ने निकाला है। हम लोग आपकी मेहनत का पैसा नहीं लेना चाहते हैं और न ही कभी लिया है, लेकिन उससे हम लोगों का 1-2 दिन में बहुत अच्छा फर्क देखने को मिला ये कि जेन्युइन कैंडिडेट्स जो जॉब की नीडेड रहता है, सिर्फ उन्हीं का कॉल आता है, वो ज्वाइन होते हैं। ये रियल है। मैं ये जो वीडियो में कल या परसों मेंशन किया था, और आज सुबह ही जो 5 कैंडिडेट्स आए थे हम लोगों के पास, चाहिए तो मैं उसका रिव्यू दे दूंगा। 5 कैंडिडेट्स हम लोगों के पास आए थे, 1500 रुपीज पे किए, ड्यूटी पे गए। उनको पता है हम लोगों को काम की जरूरत है, उनको पता है कि ये फ्रॉड कंपनी नहीं है। और जैसा कि मैं बोला कि आपका पेमेंट जो है आपको 16 दिन के अंदर आपका रिटर्न होता है वो पैसा। वो कैंडिडेट्स क्या बोले बताए, नहीं सर आप रखिए पैसा, मुझे 2 महीने के बाद दीजिए, आपको विश्वास होना नहीं कि हम लोग बंदे कैसे यार कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत रहती है हम लोगों को, न कि जो है सुबह से शाम कॉल करेंगे और हाँ सर आज आ रहा हूँ, हाँ सर कल आ रहा हूँ, सर मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, सर मुझे उतना पैसा भेज दीजिए, या फिर जॉब में लगने के बाद सर मेरी माँ बीमार है, मेरी दादी बीमार है, सर मेरे पास खाने के पैसा नहीं है, सर मुझे 2000 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए। ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत हम लोगों को नहीं है और नहीं थी और नहीं रहेगी। अब मैं जो आपको निचोड़ की बात कर रहा था कि हमारी कंपनी ने आपका जो 1500 रुपीज चार्ज है उसका क्या निचोड़ निकाला है, वो बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा। आपको जो 1500 रुपीज जो पेबल रहता है ना, वो आप ही के लिए यूज करेंगे हम लोग, आप ही के ऊपर खर्चा करेंगे हम लोग। उसका डिटेल्स कंपनी कुछ जल्दी ही मतलब सर मशवरा कर रही आपस में, तो वो थोड़ा जल्दी ही बताया जाए। मेरे हिसाब से सुनने में आया कि कंपनी आपको इंश्योर वगैरह इंश्योरेंस जो रहता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी जो 3-10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा मतलब और भी कुछ बेनिफिट्स जो कंपनी करवाएगी आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। आपका पैसा आप ही को मुबारक, हम लोगों को आपका मेहनत का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन उससे काफी फर्क पड़ा है हम लोगों को कि जो रैंडम कॉल आते हैं, जो फालतू कॉल करते हैं, वो थोड़े बंद हो गए, और जो जेन्युइन कॉलर्स है वही सिर्फ कॉल करते हैं। तो गाइस,
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था लास्ट में जो मैंने आपको देना था। बाकी का अपडेट चाहिए तो मैं एक दो दिन जब कंपनी डिस्कस करेगी बैठ के जो आपस में, उसके बाद में चाहिए तो आपको बता दूंगा। तो गाइस एक और अच्छी जॉब के अपडेट्स के साथ हम लोग हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।